अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं सहरी की रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी, कि हम सहरी में क्या खाते हैं, कौन से पराठे खाते हैं। तो चलें यहाँ से शुरू करते हैं। आप लोग सहरी में क्या खाते हो ज़रूर बताना। यहाँ पे तो अभी काफ़ी टाइम बाकी है सहरी को, अभी तो यहाँ 2 बजे हैं, सोचा सहरी बना लूँ अभी। आप लोग सहरी में क्या खाते हो, पराठे खाते हो, कौन से पराठे खाते हो? कोई भी खा लेते हैं, चाहे वो चकोर हो, चाहे वो गोल हो, चाहे वो लच्छे वाला हो, कोई भी बना के खा लेते हैं। लेकिन मुझे चकोर वाला ज़्यादा पसंद है, तो मैं चकोर ही बनाऊंगी। चलें अपने पराठे बनाते हैं। इस तरह करके हम अपने चकोर पराठे बना लेंगे। चाय भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि चाय के बगैर सहरी का कोई मज़ा ही नहीं है। अच्छा, किस किस के साथ ऐसा होता है कि अगर चाय नहीं पिए तो सर में दर्द होने लग जाता है? हम लोग तेज़ पत्ती पीते हैं, इसलिए तेज़ पत्ती वाली बनाऊंगी कड़क चाय। अच्छा, हमारी रोटी बेल गई है, अब मैं इन्हें डालूंगी। जब तक हमारी चाय पकेगी हमारी रोटी भी तैयार हो जाएगी। तब तक इस तरह करके मैं अपने सारे पराठे बना लूंगी। अच्छा, किस किस को क्रिस्पी पराठा पसंद है? मुझे तो क्रिस्पी सा पराठा बहुत अच्छा लगता है, क्रिस्पी हो और रेड हो।
इतना जबरदस्त सा हो रहा है काट। देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है। हमारा एक मिनट का रेडी। अब बनाते हैं दूसरा पराठा। ये भी बेल लिया हमने, अब इसे भी हम बनाएंगे। चाय का बॉयल आ रहा था इसलिए मैंने साइड पर रख दिया, नहीं तो सारा उबाल चला जाता चूल्हे पे। अभी चूल्हे पे गिट्टी बहुत ही गंदी स्मेल आती। चलिए जल्दी जल्दी अपने पराठे को फ्राई कर लेते हैं। एक तरफ ये भी बन गया हुआ। हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे हो रहे रेडी। कितना खूबसूरत लग रहा है क्रिस्पी सा। कितना जबरदस्त लग रहा है क्रिस्पी सा। चलिए मिलती हूँ अपने सारे पराठे बना के। अच्छा मेरी सैरी तो हो गई तैयार। ये जबरदस्त था। मैंने रात में चिकन बनाई थी, चिकन टिक्का मसाला बनाया था, चिकन टिक्का कढ़ाई बनाई थी वो, साथ में पराठे, ये हमारी कड़क कड़क सी चाय। मैं चलती हूँ अपनी सैरी करने। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।